मानवता को शर्मसार किया। ऐसी एक खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले से, जहां एक स्कूल के प्रिंसिपल पे एक 14 साल की नाबालिग बच्ची से रेप करने का आरोपी बताया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के रागा में आरोप अनुसार 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ ग्रीन हिल्स स्कूल के 31 वर्षीय प्रिंसिपल ने कथित तौर पर बलात्कार किया। वहीं पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़िता के परिवार वालों ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश भी किया जाना है। इसी बीच पुलिस अधीक्षक हेगो बसर ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। समझाने के लिए कर रहा था, ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ। मेरा केस में कोई उसमें ये एविडेंस को टेम्पर कराना क्या कराने का मेरा कोई ऐसे रोल नहीं रहेगा। सर, वॉइस दो ना, ईच एंड एवरी वॉइस को लोग सुन रहा है। जैसे आप बोलता है सैटरडे में हुआ था, तो अभी हम लोग को लेट में बताया है बोलने से, तो आपका वॉइस को तो सुन रहे ना लोग। जस्टिफाई कर रहा हूँ मैडम की आपने जैसे ही रिपोर्ट किया मैं ऐसे एक्शन लिया। मैं कल्प्रीट को भागने नहीं दिया, ये कल खुद आया था, तो मैं उनका आगे में हम ओसी को फोन किया, उनका आगे में एसपी को फोन किया करके वही था, इतना बताना था। आप हमसे गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी थोड़ा एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ, उसको सील कर लेता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। हम तो सर मैडम ओनली आई जस्ट वांटेड टू मेक यू मोर एजुकेटेड, वही था हमारा, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, उसमें कोई ऐसे भी नहीं होगा। एक लड़की बोलने से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन से हमको ऐसे हो गया बोलने से, दैट इज ए सफिशिएंट स्टेटमेंट। That's all.